हेलो गाइस, वेलकम टू 45 स्टडी लीव। आज हम देखेंगे कि माइक्रो लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल का। हमें हर लेसन प्लान में सबसे पहले टॉप पर लिखना होता है पीटीज रोल नंबर, क्लास, डेट, टाइम। देन राइट हैंड साइड हम लिखते हैं सब्जेक्ट, कंसेप्ट, सेशन, स्किल। ये हम टीचिंग करते वक्त ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं। पीटीज रोल नंबर में आपका रोल नंबर आता है, क्लास आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट में जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं वो डेट आएगी, टाइम माइक्रो टीचिंग में हमेशा टाइम 5 to 7 मिनट्स का ही रहता है जितनी देर आप टीचिंग करते हैं, सब्जेक्ट आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट में आएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, सेशन में ये आपका टीच है या रीटीच है, उसके बाद स्किल, ये हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं तो इसमें स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग आ जाएगा। ये लिखने के बाद हम लिखते हैं क्राइटेरिया ऑफ द स्किल। ये हर स्किल के अलग होते हैं और ये हमें एज इट इज़ लिखने होंगे, ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के हैं। क्राइटेरिया में हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के। फर्स्ट, टू मेक एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक इफेक्टिव। सेकेंड, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। थर्ड, प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स वाइल एक्सप्लेनिंग। फोर्थ, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये लिखने के बाद हम लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। हमें स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में इन सारे कंपोनेंट्स को ध्यान रखते हुए माइक्रो टीचिंग देनी होती है, जिसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के कंपोनेंट्स हैं ओपनिंग स्टेटमेंट, कवरिंग मेन आइडिया, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, यूज ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, क्लोजिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जब हम माइक्रो टीचिंग देते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग पे, तो हमारी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जो हम पढ़ाना चाहते हैं टॉपिक उससे रिलेवेंट ही हम बात करेंगे, हम एक्सप्लेनिंग लिंक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि सो देन दैट्स वाई हाउएवर देयरफॉर एक्सेट्रा। उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ हमें करना होता है। इंडक्टिव अप्रोच होती है जब हम एग्जांपल्स के थ्रू कोई टॉपिक समझाते हैं और उसके बाद उसको जनरलाइज करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में होता है कि पहले हम बता देते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स देके उस टॉपिक को समझाते हैं और एंड में हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी होती है। Thank you.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।